तो ब्रेक्स हार्ट के थीम मा गुरुवार के तंबाकू निषेध दिवस मनाई गिस। हर साल WHO के द्वारा जन जागरूकता फैलाए बर ए अभियान चलाए जाते, जेकर चलत अब प्रदेश में तंबाकू के प्रति लोगन मन जागरूक हुए है। फिर और अधिक जागरूकता के जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री घलो आम जनता ले नशा मुक्ति के अपील करे है। तंबाकू सेवन के चलत राज्य में हर साल हजारों लोगन मन असमय काल के ग्रास में समावत है। लोगन मन में तंबाकू के खिलाफ जन अभियान के चलत थोड़ा कामयाबी जरूर मिले है, फिर यह नाकाफी है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष औसतन 70-80 लाख लोगन मन के मौत सिर्फ तंबाकू और तंबाकू ले बने अन्य नशा के पदार्थ मन के सेवन ले हुआ थे। जरूरत है कि ये दिशा में और काम करे जाए ताकि लोगन मन ला मौत के मुँह ले जाए ले बचाए जा सके। यही दिशा में WHO के सदस्य मन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए के पहल 1987 में करे गई रही। एकर तहत 31 मई के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाए के घोषणा करेगी। ए साल ला टोबैको ब्रेक्स हार्ट के थीम में गुरुवार के मनाएगी। हमन कुछ लोगन मन ले बात करें, फिर कैमरा के सामने न आए के शर्त मा ओमन हा नशा ले नुकसान मा चर्चा करिस। 24 साल के व्यक्ति अपन दोस्त के संग मा नशा करत रहिस। ओहा लगातार 10 साल तक चेन स्मोकिंग के शिकार रहिस है। यही बीच ओहा खांसी के बीमारी ले ग्रसित रहिस। ओकर बहन है जब नशा के विरोध करिस तो ओहा सिगरेट छोड़े मा मजबूर हो गए। अब ओहा दोस्त मन के संग मा रहे के बावजूद घलो कोनो प्रकार के नशा नहीं करे। उहें ही व्यक्ति एक हम उम्र युवक के संग मही मजा ले पान ठेला मा सिगरेट के कस उड़ावत नजर आत रहीस। हालांकि वह घलो कैमरा के नजर ले बचत रहीस। आप मला बता दें कि राज्य सरकार नशा मुक्ति पर कई अभियान छेड़ रखे है ताकि पूरा प्रदेश तंबाकू जैसे पदार्थ से परहेज करे। राजधानी मा कालीबाड़ी स्थित नशा मुक्ति केंद्र के स्थापना 31 मई 2015 में हुए रहीस। ए सेंटर हा पिछले 3 साल मा 1500 लोगन मन के काउंसिलिंग करे है। एमा 800 लोगन मन नशा मुक्त हो चुके है। उहे 2017 मा 450 लोगन मन के काउंसिलिंग करेगी, जेमा 352 लोगन मन हा नशा मुक्त होए के कगार मा है। देश टीवी हा तंबाकू नशा विरोध दिवस मा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ले घलो बात करिस। मंत्री अपन जीवन मा तंबाकू के नशा करे के बात स्वीकारिस। ओ मानिस के ओकर द्वारा तंबाकू के सेवन करे ले ओकर तबियत कई बार बिगड़े है। फिर जब ओहा नशा ले दूर होए के ठान लिस तब वह कई साल बीत गए। फिर मंत्री अजय चंद्राकर अब कोनो नशा नहीं करे। संगे माई ओहा राज्य सरकार द्वारा नशा के विरोध मा कई कार्यक्रम के आयोजन मा घलोक चर्चा करिस। मंत्री हा बताइस कि नशा मुक्ति केंद्र मा हर आयु वर्ग के लोगन मन के नशा छुड़वाए के कार्य करे जाते। उकर काउंसिलिंग करो मल्ला दवाई दिए जाते। बड़े संख्या मा लोगन मन हा नशा ले मुक्ति पाहे। कोई भी नशा एक सिर्फ मानसिक दशा है। मैं एक दिन में एक झटके में तंबाकू खाना छोड़ दिया। आज तारीख तक मुझे तलब नहीं हुआ और उसके बाद मुझे जो स्वास्थ्य में अपने हेल्थ में जो चेंज महसूस हुआ उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं सारे मित्रों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक मानसिक कमजोरी उनसे जीतिए और इस तरह के एक गंदे नशे से मुक्त होइए और स्वस्थ समाज स्वस्थ भारत की कल्पना जो माननीय मोदी जी ने की है उसको साकार करें। स्वास्थ्य विभाग निरंतर अवेयरनेस चेतावनी सब चीज़ें जारी करते रहता है, लोगों को बताते रहता है। हमारे कुछ डिपार्टमेंट है जो निरंतर उसको अवेयरनेस करते रहते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सरकार और अन्य संगठन मन के जन जागरूकता अभियान के चलत कई युवा मन नशा ले दूर हुए है। फिर अभी भी और जागरूकता के जरूरत है ताकि पूरा प्रदेश हा नशा मुक्त हो सके। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। योग ले जनमानस तक पहुंचाए बर छत्तीसगढ़ आयोग हा कमर कस लिए है। ग्रामीण और शहर मन के बाद मा अब नगरीय निकाय क्षेत्र मन मा घलो योग ट्रेनर के माध्यम ले जन जागरूकता अभियान चलाए जाही। जेकर बर महिला ट्रेनर तैयार करे बर योग आयोग हा सरकार ले पहल करे है, जेन हा जल्दी ही कारगर साबित होही। प्रदेश मा शहर ले लेके गांव तक सबो लोगन मन ला योग ले जोड़े के पहल शुरू हो चुके है। ए पहल ला बनाए रखे बर छत्तीसगढ़ योग आयोग जल्दी ही नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत ले चिन्हित कर लगभग 50% महिला मन ला योग मा ट्रेन करे बर जाते। हालांकि तिथि ला लेके अभी कोनो फाइनल दिन आयोग डहार ले जारी नहीं हुए है। विभाग के मान्यता योजना ला लेके सबो तैयारी चलत है। निगम ले आवेदन घलो आए बर शुरू हो गए है। अब ग्राम पंचायत ले आवेदन कम आवत है, एकर बर घलो पत्र व्यवहार करे गए है। बस शासन ले फाइनल अनुमति ले के बाद मा योजना ला जल्दी ही शुरू कर दिए जाही। विभाग के मान्यता नगर निगम के एक वार्ड ले 2, नगर पालिका ले 1 और नगर पंचायत के 2 वार्ड ले 1 कैंडिडेट के चयन होही। चयन प्रक्रिया मा खास कर महिला मन ला विशेष प्राथमिकता दिए जाही, जेन मन हा आयोग के माध्यम ले 64 घंटा के योग के ट्रेनिंग मा योगासन योग जॉगिंग प्राणायाम योग निद्रा
सूर्य नमस्कार घलो सिखाए जाही। एमन ला वार्ड ब्लॉक और शहर स्तर में रहवासी मन ला निशुल्क योग के ट्रेनिंग देना होही। एकर पर शासन ला लेटर घलो भेज दिए गए है। जल्दी ही एमा कार्य घलो शुरू हो जाही। वार्ड स्तर में चयनित करे बर शासन ला पत्र घलो भेज दिए है। जैसे ही स्वीकृति मिली आयोग अपन काम ला शुरू कर दी। देखिए ऐसा है कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा अभी ग्राम स्तर पर हमने अपना मास्टर ट्रेनर के रूप में 1000 मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 ग्रामीण क्षेत्रों से हमने लगभग 25000 जो हैं योग टीचर तैयार किए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हमने लिया था। इसी को अब ग्राम स्तर पर हमने नगर पालिका नगर निगम नगर पंचायत के हर वार्ड से 3-3 लोगों को प्रशिक्षण देने का एक संकल्प लिया है जो 21 जून के बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद में लेंगे, जिसमें कम से कम एक महिला अनिवार्य होगी। तो 3 लोगों में से एक महिला अनिवार्य होगी, यानी कम से कम 25-30% महिलाएं शहरी क्षेत्रों में योग का प्रशिक्षण करेंगी, जिनके माध्यम से उस वार्ड में नियमित योग की क्लास योग वाटिका के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। इसीलिए ये प्रशिक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों को योग के प्रति जानकारी मिलेगी, योग के बारे में जो भ्रांतियां लोगों के मन में है, जो डर है, वो सब दूर होगा और इसके बारे में भी बहुत जानकारी मिलेगी कि योग किसी मजहब का नहीं, किसी धर्म का नहीं है। योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मानव जाति के लिए, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए है। लिहाजा विश्व योग दिवस के बाद में घलो योग ला जन जन तक पहुँचाए बर योग आयोग अब पहल छेड़ दिए है। अब घर घर में योग ला सिखा के रोग ला दूर भगाए के पहल शुरू हो गए है। देश टीवी पर कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2018 के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव पर प्रत्याशी चयन के दूसरी सूची आम आदमी पार्टी हर जारी कर दिए है। इस सूची की खास बात ये है कि एमा महिला उम्मीदवार मल्ला खासा महत्व दिए गए है। संगे में ही युवा मल्ला घलो कर योग्यता अनुसार स्थान दिए गए है। आम आदमी पार्टी के आज दूसरी सूची के संग में अब कुल 65 उम्मीदवार मन के घोषणा पार्टी हर कर दिए है। आम आदमी पार्टी है गुरुवार के छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी मन के दूसर सूची जारी करी। दिल्ली ले आए पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति प्रभारी राकेश सिन्हा है प्रेस वार्ता में कही कि सूची में महिला मल्ला विशेष महत्व दिए गए है। अपन अपन क्षेत्र में निपुण महिला मल्ला उकर क्षेत्र में पार्टी पर करे गए संगठन कार्य मन के अनुसार चयनित करे गए है। सिन्हा के मानना है कि आज प्रदेश के जनता बदलाव पर ईमानदार राजनीतिक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी ला स्वीकार चुके हैं। अब हमारा जन जन तक पहुंच के अपन संकल्प ला विस्तार ले बताना है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद कुल 62 लोग 62 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए घोषित कर दिए गए और इनका सघन कार्यक्रम होगा, इसकी रूपरेखा बनाई जा चुकी है। अब इनका प्रशिक्षण आरंभ होगा। पिछले बार जब 31 प्रत्याशियों की हमने सूची जारी की थी, उसके ठीक बाद उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हुआ था। आज भी इस नए लिस्ट के प्रत्याशी जो हैं उनका प्रशिक्षण होगा और हमने आज से चुनाव के अंतिम दिन मतगणना के दिन तक की रणनीति बना रही है। उसके माइलस्टोन्स हैं कि किस समय तक कौन सा काम पूरा हो जाना है, उसके लिए नियंत्रण है। एक वॉर रूम पिछले 10 दिनों से ऑलरेडी ऑपरेशनल है। वॉर रूम के सदस्यों को उनकी जिम्मेवारी दी जा चुकी है और वो तमाम प्रत्याशियों से लगातार संपर्क में है और इस चुनाव के प्रचार में केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली से बड़े नेता और बड़े पर्यवेक्षक जिनको चुनाव के बारे में समझ है और हर कोई जो चुनाव में मदद कर सकता है उनके आने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के सबले कम उम्र के उम्मीदवार नम्रता सोनी है बताई कि महिला मन के प्रति बढ़त अपराध में छत्तीसगढ़ जिन हिसाब ले आगे बढ़े है उला रोके की जरूरत है। वह की इसके बार आम आदमी पार्टी बेहद अच्छा परिणाम के संग में छत्तीसगढ़ में आई और उकर सरकार बना थी, महिला सुरक्षा पर ठोस निर्णय और निर्णायक कानून बनाई। वहाँ केस के आज युवा परिवारवाद जैसे पॉलिटिक्स ले ऊपर आके कार्य करे थे, जेकर ले निश्चित तौर में प्रदेश के राजनीति में परिवर्तन आई।
छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां आदिवासी महिलाओं के बलात्कार के नाम पर ये दूसरी श्रेणी में आता है। तो इस स्थिति में एक लड़की होने के नाते जिस तरह से मैंने पहले भी महिला उत्थान के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कई आंदोलन किए और सफलतापूर्वक उन आंदोलनों के एवज में मैंने बस्तर जैसे स्थान पर पिंक टीम का निर्माण करवाया है अनशन के माध्यम से, हम आशा करते हैं कि आम आदमी पार्टी निश्चित ही अच्छे परिणाम के साथ इस बार छत्तीसगढ़ में आएगी और हमारी सरकार आने के बाद बेहद ठोस कदम छत्तीसगढ़ में भी उठाए जाएंगे जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जिस तरह से अभी तक हमने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स देखा है जहां पर वंशवाद चलता आया है, जहां पर पुराने नेता नजर आते हैं, आज की नई पीढ़ी जो कि एजुकेटेड है और बेहद जानकार है और चीज़ों को समझती है और नए तरीके से लोगों के विकास के लिए काम करना चाहती है, आज हमारे जैसे युवा ऐसे ही आगे आए हैं और निश्चित ही परिवर्तन होगा जैसे दिल्ली में हमने किया। आम आदमी पार्टी के चुनाव उम्मीदवार मन के सूची जारी होने के बाद में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी में घलो युवा मन के नेतृत्व ला प्रदान करे के संबंध में चर्चा होना लाजमी है। अब आने वाला समय में देखना है कि राजनीतिक दल युवा मन ला कतना भागीदार बनाते। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ आशीष झा के रिपोर्ट। एक नजर सुर्खी मनवा, मुख्यमंत्री के विकास यात्रा पहुंचे सिंगा, क्षेत्र के किसान मन ला मिली करोड़ों रुपया के धान बोनस। प्रदर्शनकारी नर्स मन ऊपर एस्मा रहीस बेअसर, मांग पूरा नहीं होए तक आंदोलन करी परिचारिका मन। और टोबेको ब्रेक हार्ट विषय में मनाएगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, स्वास्थ्य मंत्री हर नशा ले दूर रहे के करी अपील। देश टीवी के सबो कार्यक्रम और समाचार मल्ला देख सकत हो आप मन हमारे यूट्यूब चैनल में घलो। जोहार रायपुर माजित नाही मोला दोविदा, जय जोहार।